नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए, मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है, और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। वो कहते हैं भैया हिंदी पढ़ो बाकी सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कंपटीशन ना आ जाए। बाहर से कोई आता है, अमेरिका से कोई व्यापारी आता है, बिजनेसमैन आता है, आपके बच्चे उससे बात ही ना कर पाए, वो आपको नौकरी ना दे पाए। इसलिए वो आपसे कहते हैं आप वनवासी हो, आप बड़े सपने मत देखो, अंग्रेजी मत पढ़ो। और हम कहते हैं आप वनवासी नहीं हो, ये शब्द आपका अपमान है, आप आदिवासी हो, आपको सबसे बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए, पूरा करने में हम मदद करेंगे आपकी। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? हाँ, और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। सबसे पहले जल जमीन जंगल के मालिक आदिवासी थे। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी सोच है। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना?
जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना। तो जब 15-20 साल में जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी कहां जाएंगे?